सामने का व्यू देखो यार। टावर का इशू है बस यहाँ पर, बाकी और कोई सीन नहीं है। कैंप के अंदर ही आ गया आदि भाई ने। तो बाहर यार खतरनाक तरीके की बारिश पड़ रही है भाई, सोने की कोशिश करते हैं। पहले मेरे को डर लग रहा था कि कोई, मैं बार बार चेक करूं मुझे ऐसा लगे कोई जानवर तो नहीं है यहाँ पर कि मतलब जानवर का आवाज़ कर रहा होगा। भाई बड़े गंदे तरीके से आ रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है। पानी जो है अंदर तक आ गया टेंट के, और ये कंबल भी मेरा थोड़ा सा गीला हो गया चुकी है, लेकिन सीन क्या है कि अभी यहाँ पे बदल मतलब बिजली कड़क रही है। तो ये लकड़ियाँ हमें मिली हैं, देखते हैं इनको आग जलती है कि नहीं, लेते हैं अपने साथ इनको। यार रात को बड़ा गंदा सीन हो गया यहाँ पे, जो किल लगा था वो निकल गया था, और मतलब इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ऐसे लग रहा था कि टेंट फटने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। ये निशान देख रहे हो यहाँ पे आ रहा था, देखा यहाँ पे निशान पड़े हैं। तो क्या है यार, क्या मौसम है, मज़ा आ गया, पर रात को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अभी मैं बर्तन साफ करने के लिए पानी गर्म कर रहा हूँ, वो भी बर्फ़ को पिघला कर। तो यार रात को बड़ा बुरा हाल हुआ यार, इतनी हवा चल रही थी क्या बताऊँ यार, ठंड मतलब मर गया था मैं इतना, और ऊपर से पूरे कंबल भी गीला हो गया, शुक्र है कपड़े नहीं गीले हुए। पर यार ये नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मज़ा आ गया। यार हमारा सूप रेडी हो गया, तो अब इसे टेस्ट करते हैं, पहले कप बर्तन में डाल लेते हैं। कलाड़ी भी इसी पे बना देंगे, पहले बीच में से कट करते हैं इसको। कलाड़ी ऑलमोस्ट बना ही दी है, तेल ज़्यादा हो गया भूत है यार।
तो यार जाने का समय हो चुका है क्योंकि वहाँ पर वो गाड़ी आ रही है मुझे लेने। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। तो यार निकल गए हैं वापस, बाकी सब कुछ सही रहा लेकिन सोलो कैंपिंग मेरे ख्याल से मतलब इतना मज़ा नहीं आता उसमें, दोस्तों के साथ अलग ही मज़ा होता है। भाई ठंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब भैया ठंड नहीं लग रही है? नहीं लग रही। ये हमारा गाइडर है, ये हमें गाइड करेगा कहाँ पे जाना है कहाँ से नहीं जाना। तो भैया बताओ कहाँ पे जाना है? सामने। अच्छा सामने सीधे आ जाए, पीछे पीछे आ जाए, इनको फॉलो कर रहे हैं हम। भैया थोड़ी स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो। ये गाड़ी थी जिसपे हम कल आए थे। तो यार 6 तारीख को मैं यहाँ पर आया था और आज जो है 9 तारीख हो चुकी है, मतलब 3 दिन से मैं यहाँ बर्फ़ पे फंसा हुआ हूँ। यहाँ से मैं पैदल ही निकल जाऊँगा, जो मेरा सामान पड़ा हुआ है मेरे को यहाँ पे ही छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो बाकी वो बाद में लेके आ जाएंगे। तो वहाँ पे सामने एक डॉग है और जैसे ही मैंने उस डॉग को बताया कि भाई मैं एनिमल लवर हूँ, तो डॉग ने भौंकना बंद कर दिया। पहले बहुत भौंक रहा था तो मैंने यहाँ पे रेस्ट भी कर ली साथ में। यहाँ से हमें ये ढलान डलनी पड़ेगी जो कि काफ़ी गंदी ढलान है, लेकिन रास्ता है यहाँ से निकल जाएंगे। और वो सामने हाईवे है और जो हाईवे जाएगा सीधे उधमपुर। फाइनली मैं रोड पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ से मैं बस का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही कोई गाड़ी वगैरह आएगी फिर मैं अपने घर चले जाऊँगा।